नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से IND हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPI के चार्जेस को लेकर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनके तरफ से एक डिस्कशन पेपर जारी किया गया है और इस डिस्कशन पेपर में लोगों से सवाल पूछा गया है, अपनी प्रतिक्रिया देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर इन्होंने सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इफ UPI ट्रांजेक्शन आर चार्ज्ड, शुड MDR फॉर देम बी ए परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू और शुड ए फिक्स्ड अमाउंट। तो यहाँ पर इनके तरफ से पूछा गया कि क्या जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसके अनुसार से जो MDR लगती हैं, क्या उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर UPI की चार्ज लगाई जाती है तो लगना चाहिए, या फिर कोई एक फिक्स्ड अमाउंट रख देना चाहिए कि हाँ इतना तक के ट्रांजेक्शन करने पर इतना। तो यही जो पूछा गया लोगों से, इसमें लागू नहीं किया गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से खबर निकल कर सामने आया कि भाई UPI पर चार्ज लग गया है। लेकिन ये जो है RBI लोगों से फीडबैक के तौर पर सवाल पूछे हैं डिस्कशन करने के लिए, वो अपना विचार आप व्यक्त कर सकती हैं 3 अक्टूबर 2022 से पहले इनके दिए गए ईमेल पर, ठीक है। तो इसी को लेकर ना मतलब ट्वीट किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ट्वीट करके सफाई दिया गया कि भाई अब देखो यहाँ पर UPI पर चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि UPI इज ए डिजिटल पब्लिक गुड, ठीक है, ये बता दिया गया है। जहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी UPI पर चार्ज कंसिडर नहीं किया गया है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ें बताई गई है, आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये बात क्लियर हो चुका है, लाइव प्रूफ के साथ आपने देख लिया कि UPI पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। जो RBI ने बताया है वो एक डिस्कशन पेपर जारी किया गया है। बाकी अगर आर्टिकल्स वगैरह में देखेंगे तो आर्टिकल्स वगैरह कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो बता रहे थे कि लग ही जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन अभी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये कह दिया गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दिया भाई कहाँ से बातें निकल कर सामने आई और किस तरह से अब बातें हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ हर अपडेट आप तक पहुँचाने की, फास्ट फास्ट देने की, ठीक है, और जो भी रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये UPI ही है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वाले फल वाले सारे, और UPI इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि रिकॉर्ड टूट चुका है। जो कि मैं आपको बता दूं 2016 में UPI की शुरुआत किया गया 21 बैंकों के साथ, जहां पर 3 साल लगे 1 अरब ट्रांजेक्शन पूरा होने में, लेकिन जुलाई 2022 में देखा जाए तो 6.28 अरब ट्रांजेक्शन UPI ने कंप्लीट किया है। फिलहाल UPI पर चार्ज नहीं लगेगा, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कह दिया गया है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।